मैया पधारे, ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले, बोले कहां कही तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं, देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वही मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हूं। संभाला सैनिकों ने जाकर के, बोले मुकु लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए, यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी गए जाकर के अपने, सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाया, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही, लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सही है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में, लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश, यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई कोई एक डेढ़ वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके उनके वक्ष को टटोल रहे, मैया से कह रहे, मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे, मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देख करके द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं, यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए, और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिका वासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं, बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे, सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आईं और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के
हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली, लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसो सुंदर नवलखा को हार लग रो है, भैया ही लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है। जैसे रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हो गई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये का भयो, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधु, कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर, 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मोह लगे और कम रह जाएंगे। क्यों? जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते, ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे और मैया से कह रहे, मैया जी तेरे ही यमुना में दीपदान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली, मतलब? अजय ठाकुर जी को एकांत में गए हो सिंहासन? नहीं, मैं चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में, और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जे रुक्मणी है, जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि चार लोग देख के कहें, अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे, देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही है, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही है। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया, अष्ट पटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ू ला कंगन हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भाई ना, आज ही है रही है, आज ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गरे को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों ना ये दूंगी, ये सब तुम्हारो ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है, देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन, और तभी पता चली भीतर बैठी देव की मैया को कि यशोदा जी आई। देव की और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले, मैया सामने देव की मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी सबंध को परिचय दे रहे हैं। बोले मैया देव की मैया सामने आई है। देव की मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगी। देव की मैया कह रही, अरे बहन कहाँ कर रही हो? बोले विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए, तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसी ऐसा अनुग्रह मुंह पे है। देव की मैया के चरणन से लग गई, देव की मैया ने उठाकर के हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही हैं एक दूसरे को। बोले आपको पुण्य कितना श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म नाय भयो,
आठवें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतनो क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वहां को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यो ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मुकु भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ, सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जप चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज, जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक